Practice test 7 by PMC. The first one, a mole of a substance contained dish particle, that is Avogadro. And Avogadro number, choose current 6.02 into 10 power 23. So, choice C is here. Which alkali metal only combine with nitrogen? So, remember, only lithium can combine with nitrogen. Baki member hain wo nitrogen ke saad react nahi

अब बी डी ब्लॉक अगर कहा जाए तो उसमें जिंक भी है कैडमियम भी है और मरकरी भी है लेकिन दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्चुअली दिस इज़ द बेस्ट चॉइस क्वेश्चन ऑल ऑफ दिस इसमें नहीं आएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसमें आएगा व्हेन सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस टेक प्लेस कूलिंग अकर्स दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग इफेक्ट नो इट इज जूल थम्पसन इफेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सेवरल लाइन्स फाइन लाइन्स इन द इन लाइन स्पेक्ट्रम शोज द प्रेजेंस ऑफ अच्छा फाइन लाइन्स तब हमें मिलते हैं जब हम एक हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से उसको ऑब्जर्व करें या मैग्नेटिक जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट तो वो फाइन लाइन्स जो बनते हैं दे आर बिकॉज ऑफ दब शेल्स सो सब शेल इज़ दी च्वाइस ओवर हीयर इन विच फेज एस एन टू रिएक्शंस आर फेवर्ड अच्छा एस एन टू और एस एन वन रिएक्शन के लिए फेज पर डिपेंड नहीं करते सब स्टेट के थर्शरी प्राइमरी या सेकेंडरी पर डिपेंड करते हैं और इसका कोई डिपेंड नहीं होगा चाहे सॉलिड है लिक्विड है गैस है सो ऑल ऑफ दिस हाउ मेनी रेजोनेस स्ट्रक्चर ऑफ बिनजीन आर पॉसिबल बिनजीन के लिए हम टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो बिनजीन के लिए सिर्फ दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं ओनली ट्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी जिसमें पाई बॉन्ड अपना पोजिशन शिफ्ट कर सकता हो दिस इज दस्ट स्ट्रक्चर और फिर जाके आप इसका दूसरा स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनाओगे कि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ ये इधर ये इस फॉर्म में सो दीज आर द टू पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन अल्डोल कंडेंसेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अच्छा अल्डोल कंडेंसेशन जो है ये इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हो सकता है और अल्डोल कंडेंसेशन में दो अल्डिहाइड या दो कीटोन या अल्डिहाइड और कीटोन आपस में कंडेंस होकर एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसमें अल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप मौजूद हो या कीटोन या अल्कोहल ग्रुप मौजूद हो तो अल्डोल और कीटोल उसमें बनते हैं तो ये एसिड और बेस केटालाइज दोनों हो सकता है हम एसिड कीटालाइज भी कर सकते हैं बेस कीटालाइज भी कर सकते हैं अब आई डोंट नो कि उन्होंने सिर्फ बुक के मुताबिक ही लिखा है तो देन यूर चॉइस शुड बी दिस वन एसट कैटेलाइज रिएक्शन लेकिन यहाँ पर मैं साइन एंड ऑफ इंटोरोगेसन लगाता हूँ कि पी एम सी वाले थोड़ा सा देखते जाए इन आइन एलैक्ट्रॉन मैथड द बैलेंसिंग आर रिटर्न विद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट्स स्प्लिट इन टू टू हाफ रिएक्शन ओनली ऑक्सीडेशन पार्ट इज़ रिटन ओनली रिडक्शन पार्ट इज रिटर्न तो आइन इलेक्ट्रॉन मेथड में पहला स्टेप ये होता है कि हम रिएक्शन को टू हाफ में डिवाइड करते हैं सो च्वाइस बी इज़ करेक्ट इंथलपी चेंज ऑफ सल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन वाटर अच्छा इट इज़ एक्जोथर्मिक रिएक्शन ये आपको याद होना चाहिए in aluminum oxide ions are present in 2 ratio 3 its formula is to mean ke aluminum 2 honge or oxygen 3 honge so al 2 o 3 is its formula phenol is also known as carbolic acid over here it is carbolic acid not carbonic acid not acetic not hydroxy acid Alkyl iodide cannot be prepared directly by halogenation of alkane because because iodine reacts slowly, yes iodine reacts reversibly, yes and HI form reduce alkyl again to the starting material so all of these is the correct choices Who introduced the concept of macromolecules? Ok, in 1920 स्टोडेंजर इसने इंट्रोड्यूस किया था मैक्रोमालिक्यूल का कंसेप्ट इफ ए डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स दैन दिस क्लास ऑफ दर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ वेरी ईजी क्वेश्चन दे आर नोन एज अल्की च्वाइस टी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट रिड्यूस्ड बाई एन ए बी एच टू अच्छा सोडियम बोरोहाइड्राइड जे एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स है लिथियम बोरोहाइड्राइट के मुकाबले में तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कंपाउंड को अल्कोहल को रिड्यूस अल्कोहल की तरफ इनको रिड्यूस नहीं कर सकता एक्लेबरिंग कांस्टेंट हैस यूनिट्स नो यूनिट्स बोथ एंड बी एंड नेगेटिव अच्छा इसके यूनिट होते भी हैं नहीं भी होते अगर हम इक्वलीबरिंग कॉन्स्टेंट के सी बनता है कॉन्सटेंट फॉर फॉर्वर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाई कॉन्सटेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन तो इन दोनों के यूनिट्स एक दूसरे से कैंसिल भी हो सकते हैं या कैंसिल नहीं भी हो सकते तो मीन्स कि इसका यूनिट बनेगा भी और नहीं भी बनेगा सो बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नेम्ड इज कास्टिक सोडा बिकॉज इट कुरूड्स द ऑर्गेनिक टिश्यू येस तो इट कुरूड्स दर्गेनिक टिशू बिकॉज ऑफ द कास्टिक एक्शन तो इस वजह से इसको कॉस्टिक सोडा कहा जाता है एसिटिल डिहाइड ऑक्सीडेशन विल विलीड टू फॉर्मेशन ऑफ अच्छा विलीड टू जो एलडीहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं लेकिन जितने कार्बन का एल्डीहाइड होगा उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा फॉर एग्जांपल जो एसीटल डिहाइड है तो इट इज़ कम्पोज ऑफ टू कार्बनस दिस इज एसिटल डिहाइड और इसकी ऑक्सीडेशन होकर दो कार्बन वाला कार्बोक्जलिक एसिड ही बनेगा

ज़ीरो से मजीद नीचे आओगे तो आइस बनेगा जीरो से ऊपर जाओगे तो फिर वाटर बनेगा तो बोथ आइस एंड लिक्विड दिस इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम पॉइंट ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आर आल्सो कॉल्ड एस ए मीन नॉट इन साइकल सो दे आर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन दिस इज चॉइस बी हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एड्स इन इसीथाइलिन टू फॉर्म इथेन दिस इज इसीठाइल अब इसमें अगर हम एक पाई बांड तोड़ेंगे तो दो हाइड्रोजन नेक्स्ट पाई बांड तोड़ेंगे तो फिर मजीद दो हाइड्रोजन सो तो फोर हाइड्रोजन इसमें एड होके हमें इथेन मिलेगा सो दिस इज चॉइस सी रेट ऑफ रिएक्शन हैज़ इट हैज़ यूनिट्स

और अब अगर ये एन टू हो जाए तो ये सारे डबल हो जाएंगे सो देयर इज चॉइस सी प्रोटीन आल्सो कंटेन बॉन्डिंग तो कोवेलेंट बॉन्ड तो उसमें होगा क्योंकि प्रोटीन बनेंगे uh, साथ में इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद होता है इनर्जी इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्रिस्टल लेठिस इज क्रिस्टल लेठिस ये सॉलिड फॉर्म है और सॉलिड फॉर्म इज़ द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर तो इस वजह से एनर्जी रिलीज़ होगी जब ये लेटेस बनेगा और दूसरा लेटेस एनर्जी भी उसको कहते हैं कि जब के टाइन गेशियस से नाइन गैशस मिलते हैं और सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं इंथालपी इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी तो इंथालपी एच से डिनोट होता है इट इज़ इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी एंड पी वी इज ए फॉर्म ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क सो इंथ्रोपी पोटेंशियल एनर्जी दिस इज़ वर्क डन हमेन बॉडी कंटेन्स डेश प्रोटीन्स अगेन इस क्वेश्चन में अब बुक से रिलेटेड या मैंने जो स्टडी की है तो हुमेन बॉडी में 18,000 से लेकर एटी थाउजेंड से लेकर अप टू फोर हंड्रेड थाउजेंड प्रोटीन्स होते हैं अब आई डोंट नो कि बुक में कौन सी पॉइंट लिखा गया है सो सिक्सटी थाउजेंड देन इट इज़ क्लोज़र या आलमोस्ट टेन थाउजेंड इज़ सिक्सटी थाउजेंड तो मैं यहाँ पे चॉइस ए सेलेक्ट करूँगा The अरेंजमेंट ऑफ सब शेल और आर्बिटल्स इज अकॉर्डिंग टू डेश रूल सो दैट इज़ एन प्लस एल रूल इन नॉन पोलर मोलिक्यूल द स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ दंबर ऑफ़ ऐटम्स नाट मोल्स नाट मोलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड तो उस पर यह डिपेंड करते हैं Atomic radii can be determined by measuring the distance between center of day atom center of adjacent atoms An atom is composed of electron proton neutrons and hepron, neutrino antineutrino all of these Which of the following is typical transition metal so that is cadmium Remember zinc cadmium or mercury इस ग्रुप के मेंबर जो आर टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स द रिएक्शन इन विच ए मोलिक्यूल इज रिमूव फ्रॉम ए कंपाउंड, बट नॉट एडिशन टेक प्लेस इज़ कॉल्ड तो जिसमें रिमूव किया जाता है एडिशन नहीं होती दे आर रिएक्शंस रिएक्शनिज्म इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ डेस तो टाटोमेरिज्म में ज्यादातर ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन होता है फॉर uh, एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखें दिस इज़ ए फॉर्म इट इज़ प्रोपेनोन और प्रोपेनोन फिर आगे बन जाता है प्रोपिनोल दैट इज़ सी एच थ्री सी ओ एच एंड डबल बॉन्ड सी एच टू तो क्या हुआ कि इधर का जो सी एच थ्री है इससे एक प्रोटोन शिफ्ट हुआ टूवर्ड्स दी हाइड्रोजन और उसको ऑक्सीजन और उसको ओ OH एच किया और ये ख़ुद सी एच टू हुआ विच ऑफ़ द फॉलोइंग केटलीस इज़ यूज फॉर द्रपरेशन ऑफ एसिडिक एन हाइड्राइट तो एन हाइड्राइट बनाने में पी टू ओ फाइव ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है दैट इज़ चॉइस बी विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर तो इनमें से जो अल्कोहल है ये वाटर के साथ स्ट्रॉग हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ यूज रिएक्टेंट्स एंड व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब अल्ट्रा रेडिएशन विजिबल रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन ऑल ऑफ रेडिएशन हम स्पेक्ट्रोमेट्री में स्टडी करते हैं

कापर कम्पार्टमेंट गेट नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू अराइवल ऑफ अच्छा यहाँ पे आप ये देखोगे कि ये जिंक कंपार्टमेंट है और ये कॉपर का कंपार्टमेंट है इसमें कॉपर सल्फेट मौजूद है दैट इज़ कॉपर पॉजिटिव सल्फेट कॉपर नेगेटिव और इसमें जो है जिंक रॉड लगा हुआ है और इसमें जिंक सलफ़ेट बकाया मौजूद है यहाँ पे ये सॉल्ट ब्रिज होगा और इधर एक कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा होगा अब कॉपर कंपार्टमेंट नेगेटिव होता जाएगा क्योंकि कॉपर आयन जाएंगे इधर डिपॉजिट होंगे और इधर जिंक आयन जो है वो डिपॉज़िट होते जाएंगे तो कॉपर आयन जब इधर जाते हैं इसलिए जाते हैं कि जिंक की तरफ से आने वाले इलेक्ट्रॉन ये गेन करते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो कॉपर आयन जाएंगे और इधर सल्फेट आयन एकोमोडेट होते जाएंगे तो कॉपर कंपार्टमेंट गेट्स नेगेटिव चार्ज ड्यू टू अराइवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द जिंक कंपार्टमेंट फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड हीट एब्जॉर्ब बाय ए सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू इंथलपी दिस इज द इंथालपी द लास्ट सब शेल ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स तो अल्कलाइन अर्थ मेटल एस ब्लॉक हैं और उनका जो सबशेल होगा वो एस ही होगा द लास्ट सबशेल ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अच्छा अब यहाँ पे याद रखें कि 2s, 1s, 2d, 3d तो डिपेंड करेगा जो पीरियड में होगा फर्स्ट पीरियड में कोई नहीं है सेकंड पीरियड तो उसमें 2s लास्ट सबशेल होगा अगले में 3s होगा फोर एस होगा 5s एस होगा तो इधर उन्होंने जस्ट टू एस दिया है वन एस उसमें नहीं होता तो हालांकि होना चाहिए कि एन एस हो यानी टू एस थ्री एस फोर एस तो यहाँ पे हम टू एस को ही सेलेक्ट करेंगे तो ये भी एक ग़लती का क्वेश्चन जो है बनाया गया है जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है सिर्फ ये नहीं थ्री एस वाले के साथ थ्री पी भी हो सकता है थ्री डी भी हो सकता है फोर एस के साथ फोर पी है फोर डी है फोर एफ है सो दिस क्वेश्चन गिव्स लिटिल इंफॉर्मेशन तो लास्ट सब शेल ऑफ का लाइन अर्थ मेटल तो अब हम टू एस ही सेलेक्ट करेंगे वन एस उनमें नहीं होगा टू एस बेलीम में होता है और ये सो दिस वाज क्वेश्चन फोटी थ्री फिनोल इज डेश लिक्विड तो फिनोल इज अ डेलिक्विशेंट लिक्विड अच्छा डेलिक्विशेंट लिक्विड रिमेंबर एक होते हैं हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसिस और दूसरे होते हैं डिलीक्विस हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्विशन दोनों मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से लेकिन हाइग्रोस्कोपिक उसमें सल्यूशन नहीं बनाता और डिलिक्वेशन उसी वाटर में सल्यूशन बना जाता है तो ये फ़र्क है दोनों में मॉइस्चर दोनों एब्जॉर्ब करते हैं हाइग्रोस्कोपिक भी और डीलिक्विसंेंट भी लेकिन डेलिक्विसंेंट उस एब्जॉर्ब वाटर में सल्यूशन बना लेता है अगला जो क्वेश्चन है कि व्हेन टू एसिड आर स्ट्रॉगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ पी टू ओ विच प्रोडक्ट इज फाउंड अच्छा ऑप्शन ए और बी अब इस ऑप्शन में आपको अगर आगे जाते हैं एन हाइड्राइड अगर हैं तो एन हाइड्राइड इस तरह से बनते हैं सो लेट सी इन द नेक्स्ट पेज दो एसड एन हाइड्राइड इज़ देअर सो एसड एन हाइड्राइड बनते हैं द एनजाइम विच इज़ यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन चिल्ड्रन दैट इज़ थ्राम बीन L-asparaginase, both or yeah, none of these. Asparaginase is used for the treatment of cancer in children. At which temperature water has maximum density? The water has maximum density at 4 degrees Celsius. The sum of mole fraction of the gases in a mixture of case is to mole fraction Hamesha one rahega, always one. At equilibrium if the concentration of product is increased, reaction will proceed to reactant से, product hain, और फिर वापस तो अब अगर हम इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो एट इक्विलिब्रियम ए ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज रिएक्शन विल प्रोसीड बैकवर्ड डायरेक्शन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन Path of the reaction. To change in volume is a state function, it depends upon its initial and final conditions. According to dash theory, atoms were the ultimate particle that cannot be divided further. So Dalton's ne jo theory Pesh ki thi ke atom is indivisible, that is Dalton if 9.8 gram of sulfuric acid dissolved in excess quantity of water it will yield dash mole of hydrogen ion and dash mole of sulfate ion this is h2so4 when it is dissolved it will produce 2 hydrogen ions and 1 sulfate ion now it is 9.8 gram तो 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू वन मोल एंड इफ यू डिवाइड इट बाय 10 देन इट बिकम्स 9.8 तो 9.8 ग्राम इज़ इक्वल टू पॉइंट वन मोल तो अब यहाँ पे अगर वन मोल एच टू एस ओ फोर है तो टू मोल हाइड्रोजन आइन बनेंगे वन मोल सल्फेट आइन बनेगा और अगर 0.1 मोल H2SO4 है तो 0.2 मोल हाइड्रोजन आयन बनेंगे और 0.1 मोल सल्फेट आयन बनेगा तो 0.1 एंड 0.2 टू दैट इज़ ओवर इन चॉइस ए सॉरी सॉरी 0.2 टू एंड नो नो इट्स नॉट दिस इज 0.2 टू एंड चॉइस डी लेंथ नाइट एंड रिजेंबल इन आयोनाइजेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्योंकि दोनों जो हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनका सेम फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन एटम एंड एसिड्स और न्यूट्रल सल्यूशन अच्छा तो क्या होता है तो याद रखें एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में हो तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दूसरे साइट पे एक एच टू ओ मालिक्यूल डाला जाता है और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दूसरे साइड पे एक हाइड्रोजन आयन डाला जाता है दिस इज इन एसिडिक मीडियम तो वाटर कैन बी एडेड हाइड्रोजन आयन कैन बी एडेड बोथ ए एंड बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सो दे आर कोवेलेंट इन नेचर

ए इज़ नाट इक्ल टू बी बी इज नाट इक्ल टू सी अल्फ़ा एंगल इज नॉट इक्ल टू बीठा एंगल इज़ नाट इक्ल टू गेमा एंगल एन आर नाट इक्ल टू नाइंटी डिग्री तो ये ट्राई क्लिनिक सिस्टम है तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कोई इनके लिए क्लू या कंसेप्ट मौजूद नहीं है सो दैट्स ऑल अबाउट टेस्ट सेवन विशिंग यू ऑल द बेस्ट